आज हम लोग करने वाले हैं चीपेस्ट बाइक वर्सेस दी मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक इन GTA 5। सो मैंने एक शोरूम वाले से बात कर ली एंड उसने मंगा ली है तीन मोस्ट चीपेस्ट बाइक्स, दुनिया की सबसे ज्यादा रद्दी बाइक एकदम बिल्कुल बेकार वाली एंड तीन मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक जिनसे ज्यादा महंगी कोई बाइक ही नहीं है। सो यस, आज हम लोग इन चीप और एक्सपेंसिव बाइक के बीच में कंपैरिजन करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। सो चलो चलते हैं यार, हम लोग का शोरूम जो है वो यहीं पे है, इसी वाले शोरूम पे मंगाई है हम लोग ने चीप और एक्सपेंसिव बाइक एंड ओ माय गॉड, ये देखो बाइक ही बाइक खड़ी है, वेरी गुड वेरी गुड। एंड अब चलो चलते हैं शोरूम पे एंड ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। मैनेजर जी, आर यू ऑल राइट? आपकी हरकतें देख के तो नहीं लग रहा कि आप ऑल राइट हो। मैनेजर जी, ये क्या कर रहे हो यार? अरे अरे सर जी, आप आ गए, मैंने तो देखा ही नहीं था। तो सर जी, आपने जैसे बोला था मैंने मंगा दी सस्ती और महंगी बाइक, अब आप बाइक चलाओ ये। हाँ मैनेजर जी, जरूर जरूर चलाता हूँ, और आप भी करो डांस करो यार, मेरा क्या जा रहा है। एंड ओके, तो गाइस ये आई थिंक ये तीन बाइक्स मेरी आई थिंक चीपेस्ट बाइक्स वाली है, क्योंकि यार बड़ी पतली दुबली है तीनों बाइक्स। ये तो यार एक झाड़ू है कि यार मैं समझ गए कौन सी है। दोस्तों ये है हमारी हैरी पॉटर वाली ब्रूमस्टिक फ्लाइंग बाइक, आई एम प्रीटी श्योर ये वही है। एक बार जरा इसमें बैठ के देखता हूँ, ऐसे में बैठा एंड यस यार ये वही है यार, उड़ने वाली बाइक है, आई मीन टू से उड़ने वाली झाड़ू है। मजा आ गया मजा आ गया। एंड हेलमेट बड़ी जल्दी लगा लेते हैं यार फ्रैंकलिन, अच्छी बात है अच्छी बात है, सबको हेलमेट लगाना चाहिए, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन गाइस ये है हमारी सेकंड चीपेस्ट बाइक, एंड ये आई थिंक यार वो इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं होते हैं छोटे वाले, वो लग रहा है मेरे को, चलो सही है। एंड देन ये क्या यार? यार ये दिखने में तो कोई स्पोर्ट्स बाइक लग रही है, लेकिन मैं समझ गया यार ये बच्चों वाली स्पोर्ट बाइक है, जो बच्चों की नहीं आती है इलेक्ट्रिक वाली छोटी वाली स्पोर्ट्स बाइक, ये वो है आई एम प्रीटी श्योर वही है। एंड एक बार महंगी वाली बाइक पे भी नजर डाल लेते हैं, लिटरली हम लोग के पास एक बैट पॉड है, बैटमैन की बाइक। एंड देन सेकंड ये हम लोग की बड़ी अनोखी टाइप की दिखने वाली बाइक है, एंड तीसरी बाइक हमारी यहीं पे पड़ी हुई है, वाह। बट ठीक है गाइस, यार अब बारी आ चुकी है यार हम लोग की इन तीनों बाइक्स, इन छह बाइक्स की टेस्टिंग करने का एंड चेक करने का कि आखिर चीप और एक्सपेंसिव बाइक्स में डिफरेंसेस होते क्या है। सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले हम लोग झाड़ू में बैठते हैं। चलो झाड़ू में बैठा जाए यार हैरी पॉटर वाली बाइक में। सो चलो जरा बैक करते हैं इस झाड़ू को, एंड ओ माय गॉड मेरी झाड़ू नीचे गिर गई, लेकिन ठीक है। चलो हम लोग अब आराम आराम से चलते हैं, एकदम थामा थामा गेट खुल जा सिम सिम। एंड हम लोग आ गए बाहर, एंड ओ माय गॉड सही यार ये एकदम हैरी पॉटर वाली झाड़ू लग रही है उड़ने वाली, लिटरली हम लोग पैर जमीन में नहीं रखे हैं एंड हम लोग उड़ते उड़ते जा रहे हैं, वाह। एंड अब चलो यार इसका स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, लाइक देखते हैं यार कि एक झाड़ू आपको GTA 5 में कितनी टॉप स्पीड दे सकती है। सो दोस्तों राइट साइड नीचे में तुम लोग को स्पीडोमीटर दिख रहा है, एंड तुम लोग अब मेरे को बताना कि आखिर इसकी टॉप स्पीड जाती कितनी है, क्योंकि मैं केवल रोड में ध्यान दूंगा, आई मीन टू सामने ध्यान दूंगा, तो मैं स्पीडोमीटर में ध्यान नहीं दूंगा, तो लेकिन तुम लोग ध्यान देना उस पे। एंड चलो यार स्पीड टेस्ट करते हैं, 3, 2, 1, let's go! Alright, guys, हम लोग की झाड़ू काफी ज्यादा तेज है एक्चुअल में। Oh my God, 100 किलोमीटर की स्पीड ऑलमोस्ट क्रॉस भी हो गई है, एंड 110 की भी ऑलमोस्ट स्पीड टच हो गई है। 120 तक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी? I don't think so जा पाएगी। So okay यार, 110 इसकी टॉप स्पीड है। यार मजेदार नहीं है यार, मैंने सोचा था हैरी पॉटर की यूनिवर्स से आई है तो कुछ मजेदार होगी इसकी टॉप स्पीड, लेकिन नहीं, ठीक है उतनी बुरी भी नहीं है लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। और भाई साहब व्हाट्सअप क्या हाल चाल, ये लो झाड़ू से की सफाई कर दूं मैं। ओहो भाई साहब की सफाई हम लोग ने कुछ ज्यादा ही तेज से कर दी, भाई साहब तो लगता है टैब बोल गए। ये सही झाड़ू यार, हम लोग इसे उड़ उड़ के कहीं भी जा भी सकते हैं एंड बढ़िया लोगों की सफाई भी कर सकते हैं, जैसे ये भाई साहब लोग खड़े हैं यहाँ पे एंड हम लोग को इनकी सफाई करनी है तो हम लोग इनकी सफाई कर देते हैं, सॉरी। एंड अब चलो यार हम लोग अपनी झाड़ू को ले चलते हैं वापस से, एंड हम लोग अब अपनी नेक्स्ट एक्सपेंसिव बाइक को ट्राई करते हैं यार। बहुत हम लोग ने सस्ती मद्दी बाइक चला ली। अब बारी आ चुकी है मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक को चलाने की, चलो यार हम लोग अपनी झाड़ू को यहीं पे रखते हैं। झाड़ू तुम यहीं पे रहना, किसी को झाड़ना मत, क्या बोल रहा हूँ। सो चलो गाइस, चलो यार हम लोग वापस आ गए हैं, एंड मैनेजर जी का डांस अभी भी कंटिन्यू है यार। मैनेजर जी बस यार आज ही सारा डांस कर लोगे क्या? अरे लौंडे डांस में जो मजा है वो किसी और चीज में कहां, ये लो। अरे यार मैनेजर जी थोड़ा जज्बातों में काबू लाओ। एंड लेट्स गो यार, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट बाइक को ले चलते हैं एक्सपेंसिव वाली। सो चलो हम लोग बैटमैन वाली बाइक ले चलते हैं। हाँ मेरे को ट्राई आउट करनी है यार आखिर बैटमैन की बाइक कैसे चलती है। सो सबसे पहले तो हम लोग की बाइक डूब चुकी है यार, ये कैसी फ्लोर है यार, बार बार हम लोग की बाइक्स डूब पड़ती हैं। बट ठीक है यार जो भी है, लेट्स गो चलते हैं, गेट खुला जाए एंड यहाँ से उड़ा के ले चला जाए। ओ माय गॉड यार दिखने में तो बड़ी बैडास है यार ये बाइक। एंड यार इसमें गन्स लगी हैं, क्या ये काम करती है क्या? आई डोंट नो, आई गेस यार इसकी गन्स वगैरह काम नहीं कर रही है, मैंने सारे बटन दबा के देख लिए बट इट इज नॉट वर्किंग, बट आई डोंट केयर बिकॉज हम लोग को बाइक चलानी है, गन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग वैसे ही यार ज्यादा आतंक नहीं मचाते हैं, हम लोग काफी शांतिपूर्वक इंसान है, हम लोग ऐसी गंदी हरकतें नहीं करते हैं जिसमें लोगों को चोट पहुंचे, हम लोग बहुत ही सीधे साधे इंसान है। सो हम लोग को गन्स की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है।
भाई साहब आप ये आराम क्यों कर रहे हो? ऑलराइट, तो चलो गाइस स्पीड टेस्ट किया जाए इसका भी। एंड स्पीड टेस्ट करने से पहले गाइस यार, अगर अभी तक तुम लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कर लो। इस टाइप की मस्त मस्त वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ, मेक श्योर कर लो, ऐसी और वीडियोस मिलेंगी तुम लोग को एंड या मजा आएगा। सो चलो यार अब स्पीड टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो 3-2-1 लेट्स गो। ऑलराइट स्पीडोमीटर पे तुम लोग देखना गाइस कितनी जितनी टॉप स्पीड जाए मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एंड 100 की स्पीड ऑलमोस्ट टच हो रही है, ऑलमोस्ट टच हो ही गई है, एक्चुअल में ऑलमोस्ट टच हो ही गई है। एंड क्या 120 तक जा पाएगी इसकी स्पीड? अबे यार ये कैसी है यार, यार ये कौन से चमगादड़ की बैट पॉड ले आया है? ये मेरे को बैटमैन की तो बिल्कुल नहीं लग रही है यार, ये मिलावटी बैटमैन वाली बैट पॉड है, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 100 है, लिटरली 110 भी अच्छे से नहीं जा पा रही है। एंड हम लोग की झाड़ू इससे ज्यादा तेज चल गई थी भाई। अबे कौन सा फटीचर बैटमैन की बाइक है यार ये? एक बार मेरे को वो फटीचर बैटमैन मिल जाए मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, है नहीं तो बेवकूफ इनका सड़ी सी बैट पॉड दे दी। एंड ओ माय गॉड ये कौन खड़ा हुआ है? अरे लौंडे क्या फालतू बात कर रहे हैं यार, हमारी बैट पॉड की मजाक उड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती? भाई साहब आप कौन हो और आपने मधुमक्खियों को किस्सी क्यों दे दी? लिटरली यार इसके पूरे होठ सूजे हैं। एंड यार ये बैटमैन की ड्रेस तो पहना है, तो आप सही में क्या बैटमैन हो क्या? और क्या लौंडे, हम ही तो है असली बैटमैन, वो जो पिक्चरों में आता है बैटमैन वो तुम्हारा जुड़वा भाई है, अभी वो नया नया आया मार्केट में सीख रहा है, हम है असली द ओरिजिनल बैटमैन। ओके तो ओरिजिनल बैटमैन जी, वेरी गुड, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, लेकिन आप पता नहीं क्या कर रहे हो इस वीडियो में। एंड बाय द वे यार आपकी ये बैट पॉड एकदम वाहियात है। अरे लौंडे फालतू बात मत करो भाई बैट पॉड के बारे में। अबे क्या फालतू बात ना करें बैट पॉड के बारे में, सड़ी सी बैट पॉड 100 की स्पीड पकड़ती है, ये है नहीं तो फटीचर बैट पॉड मेरे को दे दी। शाले तुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे पहले पकड़ के तो दिखाओ जो मुझे छोड़ोगे नहीं तुम। ऑलराइट गाइस थोड़ी सी फर्जी बैटमैन के साथ मस्ती करके हम लोग वापस आ रहे हैं अपने शोरूम में। एंड अब हम लोग वापस यार चीप बाइक्स की तरफ जाते हैं यार, क्योंकि एक्सपेंसिव बाइक लेने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, इतनी वाहियात टॉप स्पीड है इसकी मैं क्या बताऊं। तो चलो यार इससे उतरते हैं एंड इस बार हम लोग वापस से चीप बाइक लेते हैं, लेट्स गो। एंड इस बार हम लोग ये छुटकी बाइक लें कि ये वाली लें? एक्चुअली यार मैं छुटकी बाइक पहले भी चला चुका हूं कई बार, तो यार इस बार ये इलेक्ट्रिक बाइक चलाने में मजा आएगा। देखते यार ये इलेक्ट्रिक बाइक कैसे चलती है। ये क्या कर रहे हो अभी, ये क्या कर रहे हो यार, अभी ये क्या कर रहे हो यार फ्रैंकलिन, ऐसे टेढ़े क्यों खड़े हो गए? फ्रैंकलिन आर यू ऑल राइट? अरे क्या पता नहीं क्या चक्कर है गाइस फ्रैंकलिन के साथ, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे टेढ़े होके चला रहा है ये। आई गेस यार ये वाली बाइक आई गेस टेढ़ी चलाई जाती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आई थिंक यार फ्रैंकलिन ऐसे ही चला रहा है तो ऐसे ही चलाई जाती होगी इलेक्ट्रिक बाइक, मैंने कभी चलाई नहीं तो मुझे पता नहीं। सो या जो भी है यार जैसे चलाई जाए, मेरे को टॉप स्पीड से मतलब है, हालांकि मुझे इस बाइक से ज्यादा उम्मीद है नहीं, इसके चुनने से तो टायर है, हाँ मेरे जूते बराबर तो इसके टायर है। कह नहीं सकते यार बैटमैन की बैट पॉड इतनी सड़ी निकली तो क्या पता है फटीचर सा स्कूटर ज्यादा अच्छा निकल जाए उससे, आई डोंट नो। सो चलो ट्राई आउट करते हैं। सो तुम लोग स्पीडोमीटर में देखना, मैं सामने रोड में देखूंगा एंड अब मस्त हम लोग चेकआउट करते हैं इसकी टॉप स्पीड। सो 3-2-1 लेट्स गो। ओके तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है यार इसकी, एज एक्सपेक्टेड यार, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसी है। 20 की टॉप स्पीड है इसकी, नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा आगे भी जा रही है, 30 की टॉप स्पीड है। एंड यार पूरा दम लगा दो तो 40 तक भी चली ही जाती है, ठीक है यार ऑटो बराबर की टॉप स्पीड है इसकी। एंड क्या हम लोग इस सड़ी सी बाइक से लोगों को उड़ा सकते हैं इतनी कम टॉप स्पीड के साथ? अरे बच गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैडम जी को उड़ा के देखते हैं। मैडम जी व्हाट्स अप, ओ माय गॉड उड़ा सकते हैं, वेरी गुड। बाइक है बिल्कुल बेकार सी, लेकिन हम लोग इससे भी लोगों को उड़ा सकते हैं, व्हाट्स अप भाई साहब। अरे भैया क्या कर रहे हो यार? अरे कुछ नहीं कर रहे हैं भाई साहब, ए हम आप गाड़ी चढ़ा दी। अरे क्या चढ़ाया भाई साहब, कुछ तो नहीं चढ़ाया। अरे भैया पता नहीं यार लॉस सेंटोस वासियों के साथ थोड़ी मारपीट करने में पता नहीं क्यों बड़ा मजा आता है मुझे। बट खैर जो भी है दोस्तों, हम लोग वापस चलते हैं क्योंकि यार इस सड़ी सी बाइक ने बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन यही एक्सपेक्ट भी कर सकते थे यार, सबसे सस्ती बाइक है। बाय द वे यहां प्राइसिंग, मैंने प्राइसिंग नहीं बताई ना तुम लोग को, इस इलेक्ट्रिक बाइक की कॉस्ट है पूरी के पूरे 2000 रुपए। एंड GTA की दुनिया में ये वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट बाइक्स है। एंड बैटमैन की बैट पॉड की कॉस्ट अराउंड थी आई थिंक $2 million। एंड इस झाड़ू की कॉस्ट थी ट्रेवर और माइकल, आई मीन टू से यार हैरी पॉटर के साथ हम लोग ने डील करी थी, हम लोग उसे 2 बकरे देंगे उसके बदले वो अपनी झाड़ू देगा, तो यार माइकल और ट्रेवर से बड़े बकरे कौन होंगे, तो मैंने उन्हीं को वही दे दिया एंड उससे झाड़ू ले ली। भगवान माइकल और ट्रेवर की आत्मा को शांति दे। एंड आत्मा को शांति मिलती रहेगी। हम लोग अब चलते हैं यार अब मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक नंबर 2 की स्पीड टेस्ट करने। अबे गेट अच्छे से खुल गया बेवकूफ। सो चलो यार चलते हैं। वाह भाई स्टैमिना हो तो यार मैनेजर जी जैसा, अभी भी डांस करने में लगे हैं यार, यार कसम से यार बड़ा पावर है यार, ओ माय गॉड हर जगह से पावर निकल रही है मैनेजर जी। एंड अब चलो यार इस एक्सपेंसिव, अरे इस वाली नहीं यार, इस वाली को, इस एक्सपेंसिव बाइक को ले चलते हैं। अबे इसको नहीं ना, इसको यार बार बार इसी में बैठ जाता है। बट खैर कोई ना, इस बार हम लोग इसी में बैठेंगे क्योंकि हम लोग इस बाइक को सीधा करेंगे पहले
फिर इसमें बैठेंगे एंड फिर से पलट गई बेवकूफ, लेकिन हम लोग ने पकड़ ली इस बार। एंड ये किसकी बाइक है? शिटजू की है। शिटजू की है। एंड ये हायाबुसा का साइन है इसमें। हाँ हायाबुसा ऐसी तो दिखती है आई गेस, लेकिन मतलब इतना बड़ा पीछे टायर नहीं होता है। सो ये बेसिकली शिटजू हायाबुसू है। आई मीन टू से रेप्लिका ऑफ हायाबुसा है। शिटजू हायाबुसू। वाह भाई वाह यार, गाड़ी हो तो ऐसी, लेकिन यार शिटबू हायाबुसा दिखने में बड़ी बैडास है। लाइक असली हायाबुसा इससे भी ज्यादा अच्छी मुझे लग रही है। ओ पिछवाड़े से यार मेरे यार स्मोक क्यों निकल रही है? ओ सीट के अंदर से स्मोक निकल रही है, देख रहे हो तुम लोग? ओ मैन यार मस्त है। चलो यार इसका भी स्पीड टेस्ट करते हैं। बाय द वे यार, अगर तुम लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन व्हाट आर यू डूइंग। इस टाइप की मस्त मस्त वीडियोस में अपलोड करते रहता हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं सेम लाइन बोल रहा हूँ, बट हाँ लाइक कर दो मजा आएगा। सो 3, 2, 1 स्पीड टेस्ट किया जाए। ओ माय गॉड, 240 की स्पीड क्रॉस हो गई यार। ओह माय गॉड यार, कुछ ज्यादा ही खतरनाक है यार इसकी टॉप स्पीड 240 की। लिटरली इसने चुटकी बजा के क्रॉस कर ली स्पीड। भाई क्या आप खा के पैदा हुई थी ये भाई। एंड ओ ये बैटमैन तो यहीं पे अभी भी बैठा हुआ है। बैटमैन व्हाट्सअप बैटमैन। अरे क्या कर रहे हैं यार? अरे कुछ नहीं कर रहा बैटमैन। सो चलो गाइस एक और बार स्पीड टेस्ट इसकी करते हैं यार। 240 की स्पीड इसकी क्रॉस करी थी, एक बार देखना है मुझे अब क्या कौन सी स्पीड इसकी क्रॉस होगी। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। उड़ा दो साड़ी को, उड़ा दो बाइक, उड़ जाओ मेरी। ओ माय गॉड, एंड फिर से मेरा खतरनाक क्रैश हुआ। सो तय हो गया यार इसकी टॉप स्पीड है 240 किलोमीटर, एंड मजा आया कसम से, बड़ा ही मजा आया यार। ये होती है मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक, वो बैड पॉड नहीं फटीचा टाइप की। चलो यार इसको भी हम लोग यहीं पे खड़ा कर देते हैं। एंड बाय द वे इसकी बाइक की कॉस्ट अगर तुम लोग जानने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बाइक की कॉस्ट है अराउंड $5 million। यस इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव हायाबुसा, इवन तो ये हायाबुसा की फर्स्ट कॉपी है, बट चलती भी अच्छी है एंड महंगी भी काफी है। सो चलो यार अब बारी आ चुकी है अपनी लास्ट चीपेस्ट बाइक को ट्राई आउट करने की, जो है छुटकू बाइक। यार ये लिटरली बच्चों की बाइक है, जो बच्चे नहीं साइकिल वाली दुकान में इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है, जो लिटरली 5 साल के बच्चे चलाते हैं वो वाली बाइक है ये इलेक्ट्रिक बाइक, जो दिखने में तो लगती है एक सुपर बाइक बट है एक बच्चों की प्लास्टिक वाली इलेक्ट्रिक बाइक। तो चलो यार अब इसकी भी टॉप स्पीड हम लोग चेक कर लेते हैं। मेरे को इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, बट लेट्स सी यार, लेट्स सी क्या इसकी टॉप स्पीड जाती है। ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड, ओह 100 की स्पीड टच कर गई। अबे ये कैसे हो रहा है? इतनी फटीचा टाइप की बाइक में इतनी दम, ओह माय गॉड, हाउ इट इज हैपनिंग आई डोंट नो, बट इट इज हैपनिंग वेरी गुड। ओह 120 की टॉप स्पीड टच कर गई, कसम से मजा आ गया। अरे भैया क्या कर रहे हैं यार? अरे भैया हम किट्टा पेलोगे यार, किट्टा पेलोगे यार। हम मानते हैं कि हम बैटमैन हैं, लेकिन हमारे भी सीने में दिल है, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बैटमैन पाजी आई वाज जस्ट हैविंग फन, आई एम सॉरी यार अगर आपको बुरा लगा हो। ए बैटमैन पाजी वेरी सॉरी। ऑलराइट तो काफी ज्यादा अच्छी इसकी टॉप स्पीड थी। लाइक इसकी टॉप स्पीड कितनी गई? आई थिंक 100 क्रॉस हो गई थी इसलिए। एक और बार चलो यार, एक और बार हो जाए यार इसकी टॉप स्पीड। एंड ओ हो यार ये व्हीली भी बड़ी मस्त मार रही है यार। एक मिनट जरा मैं साइड एंगल से देखूं, ऐसे करके अगर हम लोग ऐसे करते तो ओए होए होए क्या व्हीली मारी जा रही है दोस्त, मजा आ गया यार। ये बच्चों वाली बाइक में तो बड़ों वाले से भी ज्यादा दम है। कसम से आनंद ही आ गया इस बाइक को चला के, मजा आया। एंड इस बाइक की कॉस्ट थी अराउंड 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए में आपको एक ऐसी बाइक मिल रही है जो की आपको 100 की स्पीड टच करा देती है। वाओ अमेजिंग, मजा आ गया। लेकिन गाइस अब बारी है शो डाउन बाइक की, लाइक लिटरली द वर्ल्ड्स मोस्ट फास्टेस्ट बाइक ऑफ द वर्ल्ड इन द यूनिवर्स की बाइक की। काफी कमाल के एक्सप्लेनेशन के बाद चलो यार इस बाइक को ट्राई आउट करते हैं। ये सही में बहुत ज्यादा इनसेन बाइक है। इस बाइक को भी मैंने पहले भी चलाया है एंड सही में कमाल बाइक है, मजा आएगा देखने में। एंड मैनेजर जी बाय द वे आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द लास्ट बाइक, आपके साथ काफी मजा आया कसम से, बहुत ही बढ़िया काम आप करते हो। अरे लेकिन यार ये काम बस छोड़ दो। मैंने तो पता नहीं क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। एंड अब चलो यार हम लोग की बारी आ चुकी है द वर्ल्ड्स मोस्ट फास्टेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स की। तो चलो यार इसको ले चलते हैं, आराम से ले चलते हैं। ओ माय गॉड, आराम से ले चलते हैं। एंड ओ माय गॉड मजा आ गई। ऑलराइट गाइस स्पीड टेस्ट करने की बारी आ चुकी है, तो दोस्तों चलो इसको चलाते हैं। ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है यार, इस बाइक के कलर चेंज हो रहे हैं। हाँ यार मेरे को तो लग रहा है अभी ब्लू है एंड पर्पल हो गया एंड अब पिंक हो गया। ओ माय गॉड यार, आई थिंक यार ये इतनी एक्सपेंसिव बाइक है कि इसमें एक अलग टाइप का फीचर है, कलर चेंजिंग फीचर। वाह इसमें हम लोग अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं, सही है यार, चेंज होते रहो, मजेदार लग रहा है। एंड चलो यार अब हम लोग को इसके केवल कलर चेंजिंग नहीं चेक करनी, हम लोग को इसके चेक करनी है स्पीड। सो तैयार हो जाओ दोस्तों हमारी फाइनल शोडाउन सुपर बाइक की स्पीड टेस्ट करने के लिए। तो 3, 2, 1 स्पीडोमीटर में देखना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना एंड लेट्स गो। ओ माय गॉड एकदम से 260 टच करी, फिर से मैं एक बार अच्छे से एक्सीलरेटर दबाऊं एंड फिर से हम लोग की स्पीड 260 टच कर गई। अबे तेरी ये क्या था?
भाई ये क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग की बाइक पता नहीं कहाँ उड़ के चली गई, लाइक लिटरली कहाँ उड़ के गई। ओ मेरे को दिखाई दी वहां पे शायद बाइक है, आई थिंक यार यहीं कहीं मैंने बाइक को देखा था गिरते हुए। एंड यस यार ये रही यार, मिलको मिल गई मिली प्याली बाइक। यार कितनी ज्यादा ये बाइक फास्ट है, लिटरली इतनी ज्यादा फास्ट थी कि पता नहीं हम लोग कहाँ उड़े और बाइक पता नहीं कहाँ उड़ के चली गई। सही में बड़ी मजेदार है, एक और बार इसकी स्पीड टेस्ट करनी तो बनती है। सो रुको यार, वापस से हम लोग थोड़े खाली एरिया में जाते हैं क्योंकि यार यहाँ पे स्पीड टेस्ट करेंगे तो हम लोग को मरने से कोई नहीं बचा सकता। सो चलो बीच में एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं। 3, 2, 1 Oh my God! Oh my God! Oh my God! ये क्या है भाई, ये कितनी टॉप स्पीड में जाती है, देख पता नहीं कहाँ गई हमारी बाइक। यार कुछ ज्यादा ओवर टॉप स्पीड नहीं है इसकी। ओके वन लास्ट टाइम, एक और बार हम लोग इसको ट्राई करते हैं। सो चलो यार एक बार हम लोग इसको व्हीली मार के यहाँ से ले जाते हैं। ओह माय गॉड यार, हम लोग की बाइक पता नहीं सातवें आसमान में उड़ने लगी है। अरे नीचे जा रही है वापस, नहीं नीचे नहीं जाना बे, अबे नीचे नहीं। ये क्या हुआ, ओह माय गॉड, ओहो ये क्या हुआ एकदम से, कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ यार। ये कितनी ज्यादा फास्ट, एंड लिटरली हम लोग काइंड ऑफ उड़ने भी लगे थे इस बाइक के साथ, इतनी ज्यादा फास्ट हो गई थी। फिर बाद में हम लोग की यार बाइक थोड़ी ऐसे होने लगी है, एंड फिर हम लोग का खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया एंड फ्रैंकलिन की बैंड बच गई। लेकिन गाइस सही में बड़ा मजा आया चीपेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक को ट्राई आउट करने में। आई होप तुम सबको भी इस कंपैरिजन वीडियो में मजा आया हो। अगर आया हो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड ऐसी और GT5 चीपेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हो तो एक ये वाली देख सकते हो, दूसरी ये वाली देख सकते हो। कोई भी देखो, दोनों ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से ये वाली ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये वाली भी कुछ कम नहीं है। सो कोई भी देखो यार, दोनों ही बड़ी मस्त है। जल्दी देखो, मेरा भी जाने का समय आ चुका है, जल्दी देखो, फटाफट से क्लिक करो, फटाफट से क्लिक करो जल्दी।